So today we will discuss about some famous branches of physics. Branches of physics. So as we studied earlier in our class, ये जो physics होता है, this is what study of nature. Now nature itself is a very big platform because nature has many players, many phenomena taking place simultaneously, and it is not observable. It is not possible to observe all these phenomena simultaneously. So, what we do, we actually divide our study into smaller branches. Okay, so let me know how many branches of physics can you name? और recording में आपकी voice नहीं आएगी, so be confident, कोई दिक्कत नहीं है. मैं उसको एडिट कर दूंगा, वॉइस आती है उसको मैं एडिट कर दूंगा. सो यू कैन नाउ टेल मी फिजिक्स की ब्रांचेस के नेम से भी आपको कुछ मालूम है, पता सकता है कोई? एनीवन? कुछ भी मालूम हो फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में? एम आई ऑडिबल और नॉट? आवाज तो आ रही है? एम आई ऑडिबल? अमन, लविशा, पूजा? ओके, सो फर्स्ट ब्रांच इज मैकेनिक्स, एंड दिस मैकेनिक्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इफ नॉट ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट. मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, देन देयर इज अकाउस्टिक्स ऑल्सो, नाउ देन देयर इज thermodynamics. Then there is electricity, magnetism, and then there is a group of chapters or subject matter that were discovered after 1900. ठीक है, तो ये वाली जो फिजिक्स है जो 1900 के पहले पहले हो गई, दिस फिजिक्स इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स. एंड आफ्टर 1900, व्हाई 1900 इज ओनली सिलेक्टेड, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस ईयर. तो ये ईयर का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर एक डिस्कवरी से कि उस डिस्कवरी के पहले जो फिजिक्स है उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते थे, उसके बाद जो फिजिक्स आई उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा गया. एंड इन दिस मॉडर्न फिजिक्स देयर इज अ पार्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग फिजिक्स व्हिच इज नाउ नोन एज क्वांटम फिजिक्स. सो मॉडर्न फिजिक्स इतनी मॉडर्न भी नहीं कि आप सोचो कि हाँ अभी लेटेस्ट आई, लेटेस्ट वेरी मच ओल्डर. अब 100 ईयर्स से ऊपर हो गया तो मॉडर्न फिजिक्स टर्मिनोलॉजी की तरह पर जरूर यूज होगा, लेकिन अब हम एक नया टर्म यूज करेंगे 1900 के बाद, that is quantum physics. So, इतने में से आपने लगभग लगभग और भी नाम होते हैं, लेकिन these are the main, more famous or more commonly used branches of physics. ये generally ये नाम use किया. Mechanics, mechanics क्या हो सकता है बताओ? Any idea from your side? You can say. Your voice will not be there in the final record. Mechanics क्या होता है? Anyone? हाँ अमन, please. अच्छा, वो ठीक है जो बोल रहे हो आप, ठीक है. देखो, मैकेनिक एक व्यक्ति का नाम होता है जो गाड़ी को सुधारता है, ऐसा बोलना चाह रहा है ना, व्हीकल्स को. ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है? मतलब सारे व्हीकल्स में ऐसी क्या कॉमन चीज है जिसकी वजह? करेक्ट. सो मैकेनिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच दैट इन्वॉल्व the study of motion of objects. Mechanics is related with motion. ठीक है, सारे व्हीकल में यही खासियत है ना, व्हीकल बने ही इसलिए कि उसमें मोशन होता है, और जब ये मोशन खराब होता है तो आप चले जाते हो टू अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट, जिसको हम मैकेनिक बोलते हैं. इसी तरह से वर्ड यूज होता है मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल एनर्जी, सो मेनी वर्ड्स रिलेटेड विद दिस मैकेनिक्स. सो दिस मैकेनिक
इज बेसिकली इन्वॉल्व विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वॉट एवर ऑब्जेक्ट. जब भी मैं ऑब्जेक्ट्स बोलूँ तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं, ठीक है. और हम इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं कि लिविंग का मोशन अलग पड़ेंगे और नॉन लिविंग का मोशन, हमारे लिए सब बराबर है, छोटा बड़ा लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है. बस कभी कभी क्या होता है, ये जो मोशन है 1900 के बाद में पता चला कि बड़े ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो नेकेड आई से विजिबल होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, उनकी मैकेनिक्स अलग होती है, एंड दैट मैकेनिक्स वुड बी कॉल्ड एज क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है. और इसको न्यूटन ने दिया था ये वाला ब्रांच ज्यादा, तो इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है. फिर बाद में जो छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनकी जो मूवमेंट है, इसको जब पढ़ा गया, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, तो क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स. सो नाउ मैकेनिक्स इज ऑफ टू टाइप्स, क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर एक जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज होती, एंड देन देयर इज वन न्यूअर पार्ट दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. तो फिजिक्स की एक ब्रांच थी जिस ब्रांच का नाम था मैकेनिक्स, और इस मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में. ऑब्जेक्ट्स को हमने लिविंग नॉन लिविंग में ना डिस्टिंग्विश करके सिंपल रखा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट साइज के हिसाब से हमने इसके दो क्लासिफिकेशन कर दिए, एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. तो जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, कोई ऑप्टिकल रेजोल्यूशन बनाने वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उन सब चीजों को देखने के लिए. और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इस वजह से हमें कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए कि हम उसको देख पाए. और फिर उसकी फिजिक्स भी, मोशन जो उसका है काफी अलग होता है, दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये सब बताएंगे, है ना. ये सब में जो इंट्रोडक्शन चल रहा है इसमें सारी चीजें डिस्कस करूंगा, अभी इतना जान लेना काफी है. तो हम बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्टिक्स. अब कोई बता सकता है व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या हो? यस, सो दिस इज रिलेटेड टू लाइट. हियर आफ्टर व्हेनेवर आई से द वर्ड लाइट, यू शुड ऑल्सो नो साइंटिफिक नेम. लाइट का मतलब होता है ये जो कॉमन डे टू डे लाइफ का वर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब ये वेव तो आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आपने नाइन्थ क्लास में दो प्रकार की वेव पढ़ी थी, उसमें से एक वेव थी ट्रांसवर्स वेव, याद आ रहा है? ट्रांसवर्स वेव पढ़ाओ, दो वेव्स पढ़ी होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव. कोई आइडिया है दिमाग में है ऐसा कुछ? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, बोलो भाई. चलो नहीं है यार तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ऑप्टिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विच इज मोर कॉमनली नोन एज लाइट. नाउ वॉट शुड बी अकाउस्टिक्स? अकाउस्टिक्स क्या है? ओके, स्टडी ऑफ साउंड, वेरी गुड. नाउ लिसन, दिस साउंड ऑल्सो हैज अ वेव एंड दिस वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल. तो ये दो वेव के बारे में ही पढ़ रहे हैं. एक ब्रांच है ऑप्टिक्स जिसमें ट्रांसवर्स वेव लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, और एक ब्रांच है अकाउस्टिक्स जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसे हमें ये पता चलता है कि दो प्रकार की वेव होती है, लेकिन जब आप ये क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर एक और वेव मिलेगी, दैट इज नोन एज मैटर वेव. तो ये तीन प्रकार की वेव हैं एक्चुअली, मेटर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. तो ऑल द वेव्स वर्ल्ड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री वेव्स. तो ये तीन वेव्स आप मान के चलिए, मेटर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है. अभी बस आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, फैक्ट्स याद रखने हैं, इनका पूरा एलाबोरेट डिस्कशन है हमारे सिलेबस में, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं. तो ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस में डिस्कशन है, जब ये चैप्टर्स आएंगे तो मैं आपको पूरा क्लियरली समझाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको पहले इन टर्म्स से अवेयर कराना है. मुझे यही है हमारे पहले टॉपिक का काम जो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, उसमें सारी चीजें इसीलिए इस हिसाब से लिखी. चलो नेक्स्ट ब्रांच पर चलते हैं. थर्मोडायनामिक्स मीन्स व्हाट? थर्मोडायनामिक्स एनी आइडिया? कुछ भी नाम से पढ़ के देखो, वर्ड्स पिक करके देखा तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ऑडियो तो हूं ना मैं, मेरी आवाज आ रही है? यस, हीट एंड टेम्परेचर, स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हैं. बहुत ही सिंपल रखेंगे,
ठीक है, डेफिनेशन जब हम देखो दो प्रकार से हम पढ़ेंगे, एक तो ये इसको जब डिफाइन करना है, बुक में लिखना है, कॉपी में लिखना है, वो एक अलग बात, लेकिन हमारे दिमाग में क्या परसेप्शन है वो आना चाहिए। जैसे थर्मोडायनामिक्स आया तो यहाँ से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हीट एंड टेम्परेचर। अकाउस्टिक्स लिखा रहे तो साउंड आ जाना चाहिए, ऑप्टिक्स लिखा रहे तो लाइट आ जाना चाहिए, मैकेनिक्स लिखा रहे तो मोशन आ जाना चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक बहुत ही अजीब सा फेनोमेनन है, सबसे पहली चीज जो आप फिजिक्स में आप पढ़ोगे पहली बार, ठीक है, और आपको फिर फिजिक्स में समझ में आएगा कि फिजिक्स में डेप्थ कितनी है। तो आप मुझे ये बताइए, मैटर वर्ड तो जानते हो ना क्या होता है मैटर, ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको मालूम होंगी जिससे आप इसको डिफाइन करते हो, मास और वॉल्यूम। ये एक्चुअली में मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके कैरेक्टर को शो करती है। कहने का मतलब ये है कि ये मैटर जहां जहां जाएगा उसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी जाएगी। जैसे मेरी वॉइस है फॉर एग्जाम्पल, अब आप इतने से मेरी क्लास ले रहे हो तो आप मेरी वॉइस से मेरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये फिजिक्स वाले सर। ओके, नाउ सिमिलरली दिस इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। तो आपने मुझे नहीं देखा, स्क्रीन शेयर भी आपने मेरे को विजिबली नहीं देखा, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गया ड्यू टू माई वॉइस। सो माई वॉइस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। लाइक वाइज मैटर, मैं भी मैटर का ही एक हिस्सा हूँ। मैटर इज ऑल लिविंग नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज मैटर। इनफैक्ट इन यूनिवर्स में जो कुछ भी है एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। वैसे तो पहले ये बोला जाता था क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कि दो चीजें होती हैं, मैटर और एनर्जी, ये दो यूनिवर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज बताई गई कि यूनिवर्स इन दो चीजों से मिलकर बना है, मैटर एंड एनर्जी। लेकिन बाद में आपने ये सब पढ़ा है कि मैटर और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। बुक में नहीं पढ़ा, लेकिन आपने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो इक्वेशन सुनी, ये E है, ये एनर्जी वाला पार्ट है, और ये M है, ये मैटर वाला पार्ट है, मास है। सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी। तो ये मैटर और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल हो गए। इस वजह से मैं यही बोलता हूँ कि यूनिवर्स में या तो मैटर है सब कुछ ये बोल दो, या एनर्जी है सब कुछ ये बोल दो, क्योंकि अगर वो दूसरा पार्ट बचता भी है तो वो उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एवरीथिंग इज मैटर इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन दैट आई कैन गिव फॉर मैटर। तो हर चीज मैटर है, और मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि मास, वॉल्यूम। लेकिन केवल ये दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अलावा और भी कई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं जो टाइम आने के बाद आप सब्सिक्वेंटली जानने लगेंगे। इनफैक्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं लिस्ट नहीं कर सकता, इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैटर आप समझ गए। अब क्या हुआ, एक बड़ी अजीब सी चीज थी शुरू में, जब समझा जाता था कि जब कन्वर्जन अलाउड नहीं था कि यूनिवर्स जो है मैटर फॉर्म में और एनर्जी फॉर्म में। अब इसको पहचाने ही कैसे है, तो बहुत ज्यादा जनरल शब्द हो गए। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, 9th क्लास में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। एंड एनर्जी इज मेड अप ऑफ वेव्स, या फिर जिसको मैं एक दूसरा शब्द यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, रेडिएशन, ठीक है। तो दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक पार्टिकल और एक रेडिएशन। तो जो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जैसे मैटर, इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर। जैसे ऑयल, वाटर, इन सबको क्या बोलोगे, लिक्विड नेचर बोलोगे, बिकॉज दे आर बेसिकली लिक्विड्स, अल्टीमेटली वो लिक्विड है। इसी प्रकार से जितने भी मैटर्स हैं वो अल्टीमेटली पार्टिकल्स हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मैटर हैज पार्टिकल। फिर ये जो एनर्जी है या जो ये रेडिएशन है, इसका वेव नेचर, ये वेव से मिलकर बनी, तो इट इज नोन एज वेव नेचर। तो दो प्रकार की चीजें क्लासिकल फिजिक्स में कही गई, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर हैज पार्टिकल नेचर एंड एनर्जी हैज वेव नेचर। फिर बाद में अराउंड 1924 के लगभग जाकर ये डिस्कवरीज हुई, इसलिए एग्जैक्टली 1900 बोलना गड़बड़ होता है। 1900 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 1801 से लेके 1900 का पीरियड, जिसको हम क्या बोलते हैं, 19th सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के बाद से, जहां से 20th सेंचुरी शुरू हुई, वहां से मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो गया। अब वो मॉडर्न फिजिक्स क्या है वो मैं बता रहा हूँ।
ये जो अभी चल रहा है ये सब क्लासिकल फिजिक्स, ये कह रहा है कि मैटर का केवल एक ही नेचर होता है, ये जो मैटर इसका केवल एक ही नेचर होता है दैट इज पार्टिकल नेचर, और एनर्जी का केवल एक ही नेचर होता है ये है वेव नेचर। तो यदि कोई चीज वेव है तो वो एनर्जी, और यदि कोई चीज पार्टिकल है तो वो मैटर, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन 1924 के अकॉर्डिंग के अराउंड क्या हुआ, इस मैटर का डुअल नेचर देखा गया, मतलब ये मैटर पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है, एंड दिस टू साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है। इसी प्रकार से वेव के लिए भी कहा गया कि वेव हैज ऑल्सो पार्टिकल और वेव नेचर साइमल्टेनियस। सो नाउ अ न्यू काइंड ऑफ फिजिक्स डेवलप, जिसने ये बोला कि ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है तो इसको बोला गया डुअल नेचर। तो जहां से आपका डुअल नेचर शुरू हुआ है वहां से समझ लो आप मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, यहां तक तो समझ में आ गया ना, सुनने में बड़ा ऑड लग रहा है लेकिन ये सब हम जस्टिफाई करेंगे, लेकिन अभी एज ए फैक्ट तो समझ में आ रही है बात कि कैसे ये हिस्टोरिकली प्रोसीड कर रहा है। नाउ द थिंग इज दैट पहले ये समझा जाता था, जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छा से समझाता हूँ, एक 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 नेचर होता है कंटिन्यूअस नेचर, ठीक है, और एक होता है डिस्क्रीट नेचर। तो ये मॉडर्न फिजिक्स जो है नया वाला जो क्वांटम वाला है वो डिस्क्रीट नेचर की बात करता है, और जो क्लासिकल फिजिक्स है जो क्लासिकल वाला हिस्सा है वो कंटिन्यूअस नेचर की बात करता है। बात को समझना आप ध्यान, नंबर लाइन तो सबको क्लियर है, मैथमेटिकल नंबर लाइन, दिस इज माइनस इंफिनिटी दिस प्लस इंफिनिटी एंड एग्रीगेटली इन द मिडिल इज जीरो, ठीक है। अब मैं एक कोई मैथमेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज करो 5, तो 0 से लेके 5 के बीच में आपको क्या लगता है कितने नंबर हैं 0 और 5 के बीच, फिर 1.1 0.1 इस टाइप के नंबर भी तो होते हैं ना, कितने होंगे अब बताओ, सोचो अच्छा से, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इतना तो पढ़ा ना अपन ने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, ये बात तो क्लियर हुई नहीं है, बताओ भाई दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ये तो मानते हो ना, ठीक है। तो अब चलो इसको एक रोड समझ लें, और इस रोड पर एक व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, यहां से उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया है, और यहां पर जब वो पहुंचेगा तो व्हीकल वुड हैव ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर, ये सीन समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब आप ये बताओ 0 से लेके 5 किलोमीटर के बीच में कितनी डिस्टेंसेस होंगी मैथमेटिकली, 0 से लेके 5 किलोमीटर के बीच में मैथमेटिकली कितनी डिस्टेंस होंगी यदि हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बोलें तो, इनफिनाइट। तो कहने का मतलब जो हमारा व्हीकल है, वॉइस तो आ रही है ना, हाँ, तो जो हमारा व्हीकल है वो 0 से लेके 5 किलोमीटर के बीच में जितनी भी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हैं सबको ट्रेवल करेगा, ऐसा क्लासिकल कॉन्सेप्ट या कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट का कहना है, क्योंकि सारी चीजें कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब ये है कि 0 के बाद उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी आप बता नहीं पाओगे, 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है आपको नहीं मालूम, लेकिन बाद में ये डिस्कस हुआ कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली और फिजिकली पॉसिबल, दिस इज मैथमेटिकली ट्रू, मैथमेटिकली ये बात ट्रू है, बट फिजिकली रियलिस्टिक वर्ल्ड में सारी डिस्टेंसेस वो ट्रेवल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यदि बाय फुट चल रहे हो यहाँ पर, तो आपका जो पैर का स्टेप साइज है उससे छोटा डिस्टेंस थोड़ा ट्रेवल कर पाओगे, जो आपका शू साइज है, ठीक है, दिस इज योर शू, तो इसकी एक डिस्टेंस होगी, इससे छोटा डिस्टेंस तो चल नहीं पाओगे। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से दैट यू विल नॉट ट्रेवल ऑल डिस्टेंसेस, बट यू विल ट्रेवल, ये शू साइज मान लीजिए किसी बच्चे का शू साइज ले लेते हैं अपन, 15 सेंटीमीटर का अपने पास एक स्केल होता है उस साइज का, तो वो उतना छोटा छोटा, क्योंकि मैं छोटा डिस्टेंस रहना चाहता हूँ, तो इससे छोटा डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, हमेशा इसी का मल्टीपल ट्रेवल करेगा, 15, 15, 30, 30 के बाद 45 सेंटीमीटर। बट माई पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूअस डिस्टेंस नहीं रहेगा और डिस्क्रीट छोटे छोटे टुकड़ों का बना रहेगा, दिस इज नोन एज डिस्क्रीट नेचर। तो इस वजह से ही बेसिकली डिफरेंस आया है फिजिक्स में, जो क्लासिकल फिजिक्स है वो कंटिन्यूअस नेचर की बात करती है और जो क्वांटम फिजिक्स है वो डिस्क्रीट नेचर की बात करती है, ठीक है। क्वांटम वर्ड सुना है इससे पहले तुम लोगों ने कभी, हाँ, तो क्वांटम मींस व्हाट, क्वांटम वर्ड आया है क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी
का जो सबसे छोटा वैल्यू हो दैट इज नोन एज क्वांटम। आपको एक मूवी बताता हूँ मैं, जिससे आप इस चीज को बहुत अच्छा समझ जाओ, कोरिलेट कर पाओगे। एक मूवी है जेम्स बॉन्ड सीरीज की, क्वांटम ऑफ सोलेस, ठीक है। इट इज अबाउट ऑल ड्रग एडिक्ट के हिसाब, उनके ऊपर बनी हुई है मूवी, ठीक है, स्मगलिंग, ड्रग्स, ड्रग्स से रिलेटेड। यहाँ पे सोलेस का मतलब क्या है पता है? सोलेस को हिंदी में बोलते हैं मोक्ष, ठीक है। सो ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, अगर आप इनको एक छोटा सा पिन ड्रॉप भी ड्रग का हिस्सा दे दो, तो ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे, इनको ऐसा लगेगा कि क्या मिल गया है, मोक्ष। इसलिए इस मूवी का नाम क्या था, क्वांटम ऑफ सोलेस। तो अब आप क्वांटम को समझ पाए, क्वांटम का मतलब एक बिल्कुल छोटा सा कतरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हर चीज की एक मिनिमम वैल्यू होती है और उस मिनिमम वैल्यू को फिजिक्स में हम क्वांटम बोलेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो बस यहीं पे डिफरेंस है। क्लासिकल फिजिक्स किसी भी चीज को कंटिन्यूअस बोलती है, मैथमेटिकल चलती है, और जो क्वांटम फिजिक्स है वो उसकी एक छोटी वैल्यू के बारे में बोलती है कि उसकी एक छोटी वैल्यू होगी। अब जैसे कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये छोटा सा बच्चा है, ये ट्रेवल करेगा 15x, ये डिपेंड करेगा ये x उसके कितने स्टेप्स हैं, क्योंकि हर एक स्टेप साइज कितने की है, 15। तो ये हो गया क्वांटम, हो गया 15, और उसकी जो भी वैल्यू आएगी 15 का मल्टीपल आएगी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स इन एनी ब्रांच। ऑलमोस्ट ऑल ये पूरी ब्रांचेस जो थी ना, फिर से रिराइट की गई है क्वांटम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जबकि ये पूरी पूरी बनकर तैयार होती थी। इवन सबसे लेटेस्ट जिसमें बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म थे, ये भी पूरे कंप्लीट हो गए, लेकिन इसको रिराइट किया गया सारे कॉन्सेप्ट्स को। रिराइट का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें बदल दी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको बदला गया, ठीक है। इसको आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनकर आज की तारीख में, कि जब थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले पढ़ा जाता था, तो जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा जाता था तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट था उसका आज नाम हीट हो गया, इसको पहले एक फ्लूइड समझा जाता था, ठीक है, जैसे वाटर है वैसा एक फ्लूइड समझा जाता था, जो कि इनविजिबल है, जिसका कि कोई मास नहीं है, और ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही करंट को भी एक फ्लूइड समझा जाता है, ठीक है। इसलिए देखो वाटर करंट से सिमिलर उसका नाम रखा गया करंट। और आप इसको ऐसे समझ लो कि जो मैं बोल रहा हूँ ये बात ट्रू है। आज भी आप क्या पढ़ते हो, हीट फ्लोज पढ़ते हो, यही पढ़ते हो ना, हीट फ्लोज फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, करंट फ्लोज, ठीक है, कि मूव्स तो नहीं पढ़ते, जिससे ये क्लियर होता है कि ये सारी चीजें पहले क्या समझी जाती है, फ्लूइड समझी जाती है। और इस हीट का नाम था कैलोरिक, ठीक है, और इसी वजह से एक यूनिट बनी हीट की, कैलोरी, ठीक है। तो ये जैसे जैसे चैप्टर आएगा उस चैप्टर के समरी में समझाऊंगा, तो बहुत सारे चेंजेस एक्चुअली में हमारी फिजिक्स के अंदर हुए। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। अब हमारे सिलेबस में इन ब्रांचेस में से क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा, पूरा नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि सब लोग पूरा का पूरा पढ़ा लेते हैं वैसा नहीं, जरूरत के हिसाब से पढ़ेंगे। मैथमेटिकल पार्ट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट की वजह से हमें कुछ मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, और इस मैथ्स में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स तो सुन रखा है ना तुम लोगों ने पहले, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर, है ना। तो बस उसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने जब भी वेक्टर स्केलर बोला टीचर ने क्या बोला, आप इसको हायर क्लास में पढ़ो। नाउ द टाइम इज कम व्हेन वी विल स्टार्ट स्टडिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स के बाद हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मेजरमेंट, जिसमें हम मेजर करने के सारे तरीकों को पढ़ेंगे। तो ये जनरली फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसको मैं फिजिक्स के अंदर लूंगा। फिर जब ये हम पूरा पढ़ चुके होंगे तब स्टार्ट होगी हमारी मैकेनिक्स, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी भी कई ब्रांचेस हैं जिनको जब हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा। मैकेनिक्स आपकी ऑलमोस्ट ऑल 80-90% 11th का सिलेबस बना ली, ठीक है। उसके बाद इसी मैकेनिक्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक्स भी आएगा और अकाउस्टिक्स भी आएगा, ये तीन चीजें आप पढ़ोगे। ऑप्टिक्स को भी हिस्सा रखा गया था, लेकिन क्योंकि ऑप्टिक्स फिर से आता है तो हम 11th वाले डिस्कशन में इसको ना रखेंगे। तो ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसी साल, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और अकाउस्टिक्स। बची जो चीजें ऊपर लिखी हैं वो 12th का हिस्सा,
और फिर जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो इन्हीं को और एलाबोरेट पढ़ोगे, और ज्यादा पढ़ोगे। नया कुछ नहीं आना, नया मुश्किल से 10% आएगा, बाकी सब कुछ इसी फिजिक्स की ब्रांच के अंदर होगा। ठीक है, तो आज अभी मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ